convert into a kind of a partnership model, right? And जो partnership हो, it should be on the joint venture, right? तो जो भी हम बातें कह रहे हैं, they should be the part of a proper documents which should be enforceable in court of law. मतलब उसमें जो है ना, ये नहीं होना चाहिए कि जवानी मकर साहब ने आए और कुछ कुछ बातें कहानी सुनाई और चल दिए और लोग का पैसा बटोरा और भाग लिए. आप मेरी बात समझ रहे ना? अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें पैसा बटोरने का फंड ही नहीं है, क्योंकि आप जो है ना हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं उनके लिए, तो पैसा किसका बटोरना है? उनको तो आप बांट रहे हैं वेल्थ को. तो मुझे लगता है कि इस मॉडल पे हमें बहुत जल्दी काम करना चाहिए, नंबर वन. नंबर टू, मुझे लगता है कि इसका जो काम करने का तरीका होना चाहिए, वो जनरल अवेयरनेस के अपन वीडियो बनाते रहे, डालते रहे, वो हमारा फोकस ही नहीं होना चाहिए. हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उन स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें और उनको रीच आउट करें, और एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तहत जहां पे अपन को अनुकूल लोग मिल रहे हैं, जो ऑलरेडी अपन से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उनको हम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर लें, राइट? तो उससे क्या है कि अक्रॉस द कंट्री कुछ कुछ पायलट्स अवेलेबल हो जाएंगे दिखाने के लिए. तो वो भी ठीक नहीं है कि मान लो हम कहें कि साहब हमारे पास यूपी पे मॉडल है या एमपी में मॉडल है, लेट देयर बी एटलीस्ट वन मॉडल इन ईच स्टेट, राइट? और जब वो मॉडल डिलीवर करेगा और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखिए, हम लोग वो लोग हैं जो 5 पैसे बचाने के लिए राशन की लाइन में भी लगते हैं, टिकट की लाइन में भी लगते हैं, जहां कहीं भी थोड़ा सा 5 पैसे का फायदा मिलता है. तो इंडियन पॉपुलेशन इज ए कॉस्ट सेंसिटिव पॉपुलेशन, राइट? हम इस एटीट्यूड का, देखिए, 2-3 चीजों को मैं मानता हूं जो कि इंडिया के लिए बहुत ही लाभकारी है, ठीक है ना? एक तो चीज मैं ये मानता हूं कि इट इज ओनली इंडियंस जो बिना किसी इंटरटेनमेंट के, बिना पेट में खाना हुए भी, भूखे पेट भी काम करने की क्षमता रखते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर लव्ड वन, डियर वन. मतलब अपने परिवार वाले. देखिए, कितने बिहारी लोग हैं जो है ना, हमने काशीवीन में भी देखे, यहाँ देखे, वहां देखे, कोई चना बेच रहा है, कोई चाय कर रहा है, कोई चीज कर रहा है. और ये बच्चे जो है, आपको अंदाज नहीं होगा ये कितने सब ह्यूमन कंडीशन में बच्चे रहते हैं. एक कमरे को, एक हॉल को ले लेंगे जिसमें 20-25 बच्चे जो है ना रह रहे हैं, और वो जो है दे आर सेंडिंग ए गुड मनी टू देयर होम टाउन इन बिहार. अब बिहार में अपने गाँव में अपने परिवार के लिए वो पैसा भेजते हैं और हैप्टी मनी होता है. ये लोग जो है बहुत सारा पैसा जो है किसी बैंकिंग और उस चीजों से वो उतने रिलेटेड नहीं है और उनका यूज नहीं कर पाते हैं. तो आप ये देखना कि जो अधिकांश ट्रेनें इस एरिया में जाती हैं, बिहार तरफ जाती है, यूपी तरफ जाती है, लखनऊ से, उनमें जहर खुरानी की वारदात इसी तरीके के लोगों के साथ होती थी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन लोगों ने अपना पेट काट के मेहनत से पैसा बचाया है, अब ये लेके जा रहे हैं और ये दुष्ट लोग जो है जहर खुरानी करके उनको रास्ते में बेहोश करके उनके फेथ को और उसको धोखा देके और वो उनका पूरा पैसा जो ना ले जाते हैं. मतलब इससे जो इस फिनोमेना से जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियंस की 2 बड़ी ग्रेट क्वालिटी है. नंबर 1, बिना अपने सुख पे ध्यान दिए हुए, बिना अपने एंटरटेनमेंट और अपने खुद को खाए और खुद के लिए वो किए हुए, अपने डियर वंस के लिए वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग एंड वी आर रेडी टू वर्क एम्प्टी स्टोमक. ये आप करेक्टर्स आप किसी और अन्य देश में नहीं पाएंगे. मतलब थोड़ा बहुत जो है ना इंडिया का ही जो ग्रेटर पार्ट रहे हैं वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन बाकी जगह तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? पीपल आर सेल्फिश. उन्होंने कहा कि अब जैसे अमेरिका, यूरोप वगैरह में क्या है कि भैया इट इज योर ओन लाइफ, हमने 18 साल तक आपको, इतने समय तक आपको इतना देखभाल कर लिया, नाउ यू प्लीज टेक केयर ऑफ योर ओन थिंग्स, राइट? तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉट देयर इन इंडिया. अब ऐसे कर्मठ लोगों को यदि हम जो है
24 आवर व्यवसाय और अच्छा पैसा, और वो भी जो है ना इन अबंडेंस यदि देंगे, तो इस मॉडल को सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है? मैं तो ये कह रहा हूँ कोई चाहेगा तो भी नहीं रोक पाएगा। और हमें इसे गवर्नमेंट न्यूट्रल बनाना चाहिए। मतलब हमारा क्या मतलब होना चाहिए कि गवर्नमेंट को हम पेश नहीं करेंगे इसे, राइट? गवर्नमेंट ने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए या अच्छी नीयत से भी बहुत सारी स्कीम्स की हैं जो अच्छी हैं, राइट? तो हमारा मॉडल उन सब स्कीम्स को आइडेंटिफाई करे, उनकी कोडल फॉर्मेलिटी के लिए ऑटोमेटेड प्रोसेस रखे, और उन सबका लाभ लेते हुए लोगों को जो है हेल्थ बांटे, लोगों को वेल्थ बांटे, और लोगों को की जिंदगी को बेहतर करे। अभी तो चारों तरफ जो है बहुत गड़बड़ है। बेसिकली हर कोई दूसरे के लिए मौत का गड्ढा खोद रहा है, और मुझे लगता है यहाँ कोई भी देवता नहीं है, ना किसान देवता है, ना जो है ना जो है ना गौशाला वाला देवता है, सब दुष्ट की दुष्ट भर गए हैं। ना साधु देवता है, वो भी उन्हें मौका मिलता है तो साले जो है ना आसाराम जैसा और वो कौन सा डेरा है, वो राम रहीम डेरा टाइप के लोग जो है वो ड्रामा करके लोगों को साथ दुष्टता करके उन्हें मूर्ख बना के, मतलब वो आस्था के केंद्रों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मतलब वो इतने बड़े गड्ढे खोद रहे हैं कि आदमी कल उनपे भी विश्वास नहीं करेगा। जब मैं उनकी बात सोचता हूँ तो मुझे वो एक आता है, वो किसका घोड़ा था, वो फलाने का घोड़ा था जिसको वो है खड़क सिंह तो चुराने वाला था, एक किसान का घोड़ा था, उसे बहुत उसपे वो था, तो ये साधु का वेद भर के जाता है और बचपन में कहानी सुनी थी और फिर उसको ले जाता है, तो वो विश्वासघात वाली तो वो कहता है कि भैया तुम जो है ना ये बात किसी दूसरे को मत बताना, ऐसा कुछ होता है ना भैया, नहीं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो इन सब दुष्टों ने चारों तरफ से विश्वास को तोड़ दिया है। अब आप किसके ऊपर विश्वास करो? सरकार विश्वास करने लायक नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विश्वास करने वाली लायक नहीं है, ये सो कॉल जो है आशा के केंद्र वो भी नहीं मालूम है कि कौन विश्वसनीय है कौन नहीं है, राइट? यहाँ पर किसान देखो तो वो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के नाम पे जहर मिला रहे हैं, वहां देखिए आप गाय भैंस दूध वाले पोल्ट्री फार्म वाले फल वाले फूल वाले सभी जहां जिसको मौका मिल रहा है वो इंजेक्शन लगा रहा है हार्मोनल का। हम जो है ये तमाम इंडस्ट्री चारों तरफ से केमिकल की ओवरडोज उन्होंने आपके किचन में पहुंचा दी, आपके बाथरूम में पहुंचा दी, आपके सौंदर्य प्रसाधन में पहुंचा दी। मतलब मुझे लगता है कि यदि सीएफबी ने अपना इंटरवेंशन नहीं किया तो ये देश बहुत पीड़ित देश में बदलने वाला है। देखिए मुझे जो है ना सबसे बात छोटी सी बात जो बड़े कॉमन सेंस को अपील करती है वो मुझे लगती है कि आप देखो जो दूध अपन कंज्यूम करते हैं, जब हम 1/3 ही दूध को मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 2/3 मिल्क जो है वो केमिकल ओरिजिन का है, और रिसर्च कहती है कि इस केमिकल ओरिजिन के मिल्क को यदि हम 4 साल तक लगातार कंज्यूम करेंगे तो 87% लोग को कैंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि हमने प्रेजेंट फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया और उन्हें बाहर नहीं निकाला तो 66% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वुड बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर। इसका मतलब है हर 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा और 1 व्यक्ति जो है ना उसे अटेंड करने के लिए लग जाएगा। इसका मतलब है पूरा पूरा देश जो है ना कैंसर को समर्पित हो जाएगा। और ये कैंसर है क्या? कैंसर ना तो किसी बैक्टीरिया से हो रहा है ना किसी वायरस से हो रहा है, और किसको हो रहा है? ये आपकी सेल को हो रहा है। और भगवान ने सेल कितनी अच्छी बनाई है कि उसमें जो है ना लखों वर्षों की जो है जेनेटिक मेमोरी है, वो आप कुछ भी खाते हैं वो उसको उसी में कन्वर्ट करती है जिसे उसे कन्वर्ट करना होता है, राइट? आपकी बॉडी का हर सेल लगातार बदलता है, इसके बावजूद भी वो हूबहू उसी सेल को क्रिएट करता है। तो इतने पावरफुल सेल को हम कंफ्यूज करने में सफल हुए बाय ओवरडोज ऑफ द केमिकल्स, राइट? जब हम ओवरडोज ऑफ केमिकल्स को विलोपित कर देंगे तो कैंसर और ऑटोनोमस डिसीजेस भी विलोपित हो जाएंगे।
ये ऐसे ही गायब हो जाएंगी जैसे एग्जिस्टेंस में आई हुई ऐसे गायब हो जाएंगी। बट इसके लिए किसी को बहुत सामूहिक ढंग से, मतलब आप किसी को क्यों, हम ही क्यों ना करें। सो आई फील कि ऑल गुड पीपल शुड ज्वाइन हैंड, और इसलिए उनको और ज्वाइन हैंड करना चाहिए कि ये जो है ना कंगाल होने वाला काम नहीं है, इसमें तो वेल्थ भी बढ़ रही है साथ में, तो फिर जुड़ने में क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे आपको बिना अपना पैसा लगा के, अपना श्रम लगा के, और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ आप समाज का कल्याण कर रहे हैं, तो वो आप लिमिटेड समय में कर पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, उसमें आप केवल अपनी रेसिडुअल एनर्जी लगा पाएंगे, लेकिन हमें रेसिडुअल एनर्जी से काम नहीं चलेगा, हमें पूरी डेडिकेटेड एनर्जी चाहिए। और आप डेडिकेटेड एनर्जी क्यों नहीं लगाना चाहते हैं, जब आप प्रेजेंट एनर्जी जहां लगा रहे हो वहां पे आप पिटेंस कमा रहे हो और उससे 10 गुना आपको यहां मिल जाएगा, तो फिर आप जो है ना मूर्ख हैं जो कि अपनी जो है ना पूरी एनर्जी कहीं लगा रहे हैं जहां आपको पिटेंस मिल रहा है। डू यू एग्री? हेलो हेलो, हाँ बेटा सुन रहा हूँ। डू इन एग्रीमेंट विथ मी? सही सही कह। तो जैसे अज्यूम करिए कि आप अपना केस लें, तो आपको कितना जो है ना, व्हाट इज योर अर्निंग, मंथली अर्निंग? अब इससे 10 गुना ज्यादा अर्निंग हो सकती है बाय बिकमिंग जस्ट ओपिनियन लीडर, जस्ट ओपिनियन लीडर। सही, मतलब उसमें तो जो है ना दिन भर में आपने 10 कर दिया तो आप कितना रुपए कमा लिए? नहीं, उस मुद्दे पे आप कह रहे हो, उस पर तो हर आदमी जुड़ना चाहेगा। तो फिर आप जिसको जो मुद्दा पसंद आ रहा है उस मुद्दे में जुड़ जाए ना। जो बेस बात कही ना कि आदमी अपने जिनसे प्यार करता है, जिनसे इमोशन रखता है, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, है ना। और जो बिहार के लोगों का आपने उदाहरण दिया, वो बिहार ही क्यों, भारत के हर व्यक्ति के संग है कि वो जो भी काम कर रहा है, चाहे रुचि का नहीं है, चाहे अच्छी अर्निंग का नहीं है, उसकी योग्यता के अनुरूप अर्निंग का नहीं है, लेकिन वो कर रहा है क्योंकि उसे ब्रेड एंड बटर की जरूरत है अपने घर के लोगों के लिए। अगर ऐसा मॉडल होगा जो उसे ज्यादा देगा, आप उस पेशे में रहे, अभी क्राइम भी करता है, सब लोग उसके लिए क्राइम थोड़ी करते हैं, दबाव में क्राइम सब थोड़ी करते हैं, सब नहीं। और फिर जो है ना क्राइम के वो भी बन गए ना, क्राइम को कराने वाले ठेकेदार बन गए हैं, जैसे हाँ। तो बच्चों को लिया, उनको अपंग बना दिया, उनसे भी अर्निंग बात कर रहा हूँ कि अर्न करने के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मेरी अनिवार्य आवश्यकताएं तो पूरी हो। सोशल सिक्योरिटी जो चीज है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं, जैसे आप जो कह रहे थे कि दुनिया की और कंट्री में 2-3 सिस्टम है कि आदमी के पास काम नहीं है तो अभी वो एक सामान्य लाइफ अच्छे से जी सकता है, लेकिन भारत में आदमी पे काम नहीं। मैं इसके एकदम अगेंस्ट हूँ। आई एम सेइंग जीरो फ्रीबी। हम तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जो हमसे जुड़े लोग रहेंगे, यदि वो सब्सिडी का लाभ लेंगे तो हमारा सिस्टम सब्सिडी के इक्वल। मैं सब्सिडी की वकालत नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप सब्सिडी लेंगे तो हमारा सिस्टम आपकी अर्निंग में से सब्सिडी के इक्वलेंट अमाउंट कट कर देगा, तो हम आपका इंसेंटिव टेकिंग ऑफ द सब्सिडी इंसेंटिव हटा देंगे। हम आपको जब 2 लाख रुपए पर मंथ की जो है ना इनकम दे रहे हैं तो आप सब्सिडी क्यों लेंगे? तो आप सब्सिडी लेंगे तो उतना अमाउंट काट लेंगे आपसे, लो सब्सिडी। तो हमारा सिस्टम जो है ना रिसर्च करके वहां से डाटा कलेक्ट करके आपसे इक्विवेलेंट अमाउंट आपसे खर्चे कट कर देगा उठा के, अब आपको लिए हम इंसेंटिव खत्म कर देंगे। और इसके पीछे सोच ये है कि गवर्नमेंट की जो मनी है वो बाकी डेवलपमेंट में जाए ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो सीएफबी नहीं कर सकता है, अच्छे एयरपोर्ट जो है ना वो सीएफबी नहीं बना सकता है, ठीक है ना, अच्छे पुल पुलिया जो है ना वो सीएफबी नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि इट विल बी पर्सन सेंट्रिक रहेगा, सोसाइटी सेंट्रिक जो काम है वो जब उसके अपने रिसोर्सेज पैदा हो जाएंगे तो जो सरकार कर रही है वैसा ही सीएफबी भी कर सकती है। यदि इफ इट इज जनरेटिंग इट्स ऑन इनकम और उस इनकम को जो है ना पब्लिक, अल्टीमेटली इसका और कोई जो है ना पर्पज है नहीं, इट इज नॉट मेंट फॉर कोई कंपनी, वेल्थ वाली कंपनी थोड़ी है, इट इज मेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो जब जो है ना सीएफबी की इनकम जो है ना होगी तो देन प्रोबेबली यस
इट में कंट्रीब्यूट फॉर द सोशल स्ट्रक्चर ऑल्सो. तो यदि जो है ये सब्सिडीज का पैसा है या फ्री वी का पैसा है, ये सरकार का बचता है, तो गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन एक्सटर्नल डिफेंस, इंटरनल डिफेंस, ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन रोड, ऑन एयरपोर्ट, ऑन अदर पार्ट, राइट. और प्रोबेबली आगे चल के सीएफबी वो स्कोप भी गवर्नमेंट के लिए नहीं छोड़ेगी, समझे ना. हेलो. हाँ भाई सर, आप ही को सुन रहा हूँ. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि शायद वो स्कोप भी आगे चल के सरकार के पास नहीं छोटेगा. सो व्हाट वी इंटेंड टू से दैट कि हमें इस मॉडल को उतारने के लिए भिड़ जाना चाहिए, नंबर वन. और नंबर टू, ये काम हम और आप एक आदमी नहीं कर सकता है. नहीं. तो इसके लिए मेरी बड़ी सिंपल सी सोच है. वो सोच ये है कि बहुत सारे लोगों ने तपस्या की है, उन्होंने अपने तरीके से ग्राउंड पे बहुत सारे मॉडल क्रिएट किए हुए हैं, राइट. हमें इन लोगों को जो है ना जोड़ना है और ज्वाइंट वेंचर के तहत उनको, अभी तो वो सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं, फिर वो सोसाइटी के साथ अपने परिवार की भी सेवा कर पाएंगे और उसमें आज से 10 गुना ज्यादा कमा पाएंगे. तो फिर जब आपको जो है ना पैसा भी मिलेगा और आपका सब कुछ भी होगा, तो ऐसे लाभ के सौदे को कौन कौन छूटना चाहता है. इसका मतलब है कि हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, इट शुड नॉट बी पब्लिक अवेयरनेस, इट शुड बी फोकस टू ए पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स. जैसे अज्यूम करिए कि एग्रो मशीनरी टूल्स बनाने की जो कंपनियां हैं, राइट. अब उनसे जो है ना हम डायलॉग करें, उनको कहें कि भाई आपकी मशीन मुझे प्रेजेंट फॉर्मेट में नहीं चलेगी, राइट. हमें उसमें IoT डिवाइस लगाना है, हमें उसमें GPS डिवाइस लगाना है, हमें आप RFID उसमें लगाना है, राइट. हमें उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की चीजें लगाना है, और ये पूरा सिस्टम जो है ना शुड वर्क नॉट टू रिप्लेस ह्यूमन बीइंग बट टू सप्लीमेंट एंड रिमूव द ट्रेचरी फ्रॉम देयर लाइफ. तो यदि मजदूर है, वो स्मार्ट टूल्स का यूज करके, स्मार्ट मशीन और इक्विपमेंट का यूज करके कम फिजिकल लेबर से ज्यादा आउटपुट दे सकता है. इट ही कैन कंट्रीब्यूट टू द नेचर, ही कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी मोर इफिशियंटली एंड विल अर्न मोर ऑल्सो. तो हम उन लोगों को से उनसे वो फोकस बात क्यों ना करें कि भाई देखो देखो जो है ना लेस स्टडी के साथ जो है ना कहाँ कहाँ पे कॉमन सेंस को यूज करके बहुत अच्छे इक्विपमेंट एंड टूल्स बनाए हैं, राइट. नाउ जैसे स्पेशली इजराइल, राइट. नाउ वी कैन स्टडी द होल रेंज ऑफ द जो है थिंग्स विच आर अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. अब हम उसको जो है ना फिर अपने इंडियन कंडीशन के हिसाब से जो है ना उसको रीमॉडल करें, वहां से इम्पोर्ट नहीं करना है. नो, वी विल रीमॉडल, वी विल रीकास्ट इज एज पर द इंडियन साइक, इंडियन कल्चर, इंडियन रिक्वायरमेंट, राइट. एंड उसको करके वो बनाए, और सीएफ वो उसको काम सिर्फ बनाना है, 24 घंटे बनाओ. आप तो आप फैक्ट्री जो है ना आपको 12-8 घंटे नहीं चलाना है, आप तो 24 घंटे चलाओ. उसको खपाने की जिम्मेवारी सीएफबी की है, तो आपका मार्केटिंग से रिलेटेड टेंशन खत्म, इसका टेंशन खत्म, उसका टेंशन खत्म. यदि आपको फाइनेंसिस को की आवश्यकता है, तो सीएफबी विल अरेंज फाइनेंसिस ऑल्सो फॉर यू, क्या प्रॉब्लम है. सो जब हर कोई, जैसे अज्यूम करिए जो ब्रीडिंग सेंटर है, यदि हमें हर खेत में जो है ना एक गौशाला बनाना है, तो हमें करोड़ों की संख्या में गाय चाहिए होंगी, राइट. तो हमें कितने ब्रीडिंग सेंटर चाहिए. तो हम जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे भैया जो है ना नए ब्रीडिंग सेंटर हम बाद में बनाएंगे, पहले जो ऑलरेडी अभी ब्रीडिंग सेंटर्स हैं उनको उनको स्टडी करें, उनको अपना पार्टनर बनाएं, उनकी जो है ना कैपेसिटी को इंक्रीज करें, और साथ में और भी एक्स्ट्रा ब्रीडिंग सेंटर क्रिएट करें. तो यदि हमने आज जो ऑलरेडी ब्रीडिंग सेंटर है उन्हें अपना पार्टनर बना लिया, तो आपको आज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, पायलट प्रोजेक्ट के लिए तो पर्याप्त गायें मिल जाएंगी. जैसे हमारा सोचना ये है कि जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वालों से हम पार्टनरशिप करें, तो वो उनको किसान से पैसा नहीं चाहिए, पैसा जो है ना का पार्ट जो है ना सीएफबी विल हैंडल. वो जाके हमने उनको बताया पूरा, उनको डिजाइन दे दिया, जाओ इसको इरेक्ट करो, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर विल चेक इट. उसके ऊपर जो टॉप में जो ना सोलर पैनल लगेंगी लगेंगी, उसमें जो है ध्वनि यंत्र लगेंगे जिसमें मंत्राज चलेंगे, वो क्रॉप के लिए भी होगा और गायों के लिए भी होगा. वहां पर रेगुलर जो है ना हवन हो गई होगा, राइट. क्यों? क्योंकि इन माइक्रो चीजों पे का जो है ना जो जीन पे असर पड़ रहा है, जो हमारी साइकोलॉजी और थिंकिंग प्रोसेस पे असर पड़ रहा है, वो तो ये लोग भूल गए हैं. दुष्ट इन्हें तो मंत्र वंत्र कुछ मालूम ही नहीं है, ये तो जो है ना फिजिकल दुनिया में इतने वो हो गए हैं कि जहर मिलाने से इनको फुर्सत ही नहीं मिल रही है. तो हम जो है
वी विल नॉट ओनली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ बट वी विल क्रिएट अमृत ऑल्सो. वी विल टेक अवे द कर्स ऑफ द केमिकल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कैंसर. कैंसर ऐसे ही गायब हो जाएगा चार साल में, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि 66% जो है ना पॉपुलेशन कैंसर से सफर करेगी और 33% पॉपुलेशन उसको सपोर्ट करने में लग जाएगी, तो 100% पॉपुलेशन इन वन और अदर विल बी इंगेज विद द कैंसर रिलेटेड अफेयर्स. और यदि अपन अपना मॉडल को ग्राउंड पे ले आते हैं तो ये ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कि सींग गायब हो जाता है, राइट. तो मुझे लगता है कि हम बैठ के इसको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बातें करें. हम जो है ना उन स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं. क्योंकि यदि आप देखिए, हम पहले उन पेड़ों पर क्यों ना जाएं जो ऑलरेडी उगे हुए हैं और आज फल दे रहे हैं. ठीक है ना. हम जो पौधे लगाएंगे वो तो आज से 4 या 5 साल बाद जो है ना अपना देंगे ना. ठीक बात. तो हमें हमारा मॉडल कल से जो है ना रिजल्ट तब देगा जब उसे वर्किंग जो है ना लोगों को इंटीग्रेट करने का मौका मिलेगा, राइट. अच्छा, यदि आप जो है ना जमीन से खड़ा करेंगे तो उसमें से कोई बदमाशी कर दिया तो मालूम पड़ा काके मॉडल ही फेल हो गया. इसमें तो मॉडल फेल होने के लिए कोई स्कोप ही नहीं है ना, दे आर ऑलरेडी वर्किंग. ठीक बात. यू आर जस्ट इम्प्रूविंग देयर इफिशियंसी. यू आर इनोवेटिंग. यू आर एडवाइजिंग देम कि ये करो ये करो ये करो ये करो एंड देन यू आर रिमूविंग देयर ऑल प्रॉब्लम. जैसे मान लो यदि एग्रो इंडस्ट्री है तो उसे फाइनेंस की चिंता नहीं पालना है, उसका जो मशीन बनाना है वो कहाँ जा रही है उसको वो चिंता नहीं पालना है, उसको केवल क्वालिटी और आउटपुट और मेंटेनेंस देना भी लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी प्रोड्यूसर की रहेगी. तो सो दैट जो है आपकी मशीन ने खराब किया तो कोई वहां रिपेयर करने नहीं जाएगा. आप जो है ना उसको या तो अपनी टीम को वहां रिपेयर करने भेजो या वो आपके फैक्ट्री में पहुंच जाएगी, उसको आप वहां नहीं भिजवाइए और आप इसको रीमॉडल करते रहिए, जो भी करना है करिए. तो इट वुड बी जो है जनरेटिंग सो मच ऑफ द जीडीपी. हमारी जीडीपी 10% और 20% नहीं बढ़ेगी, 1000 गुना बढ़े, 1000% बढ़ेगी. 1000% मतलब हमारे आसपास जो है ये अमेरिका चाइना वाइना भी कहीं नहीं लगेगा. विद इन 5 ईयर वी विल बी सरपासिंग एवरीबडी इंक्लूडिंग चाइना एंड विद द डिफरेंट मॉडल. हम उनके मॉडल को फॉलो नहीं करेंगे. वी विल क्रिएट इंटीग्रेट अवर सेल्फ विद द नेचर. हम इसलिए सीएफबी कह रहा है कि हम जहर तो हर जगह मिल रहा है. आप ये बताइए एंटरटेनमेंट में कितना जहर मिल रहा है. सही है. आप ये बताइए आपके जर्नलिज्म में कितना जहर मिल रहा है. आपकी कलम आपकी है ही नहीं. आपसे तो जो लिखवाया जा रहा है वो आप लिखने के लिए मजबूर है. आपको बताया जाता है कि इस लाइन की स्टोरी करो. एम आई राइट. ठीक बात है. तो जब आपकी स्टोरी लाइन कोई दूसरा कैसे तय कर सकता है. आप ये कह सकते हो कि इसको कवर करो, लेकिन इसमें ये लिखो ये कहने की क्षमता तो किसी जो है ना मीडिया हाउस ओनर की नहीं होना चाहिए. सही बात. वो आपको उसने एरिया दिया है आपको, लेकिन आपको वो नहीं कर सकता है. नहीं. सही बात. तो हाँ, तो दैट इज द आइडिया. तो मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलना चाहिए. तो आपका प्रोग्राम क्या है आप बताओ कितने बजे आना चाहते हैं. मेरे कुछ कुछ लंच और डिनर के प्रोग्राम्स हैं. मॉर्निंग आवर्स हमारा फ्री है. वी कैन मीट हियर और वी कैन मीट इन द CSOI आल्सो. तो आप रुके कहाँ पे हो. या यहीं पे, यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा. आई एम स्टेइंग इन मध्यांचल. मध्यांचल मतलब ये मध्यांचल जो है ये बसंत कुंज के पास में है. अच्छा, यहाँ रुके आप. हाँ यहाँ रुका. मैं यही पसंद करता हूँ यहाँ. एक्चुअली में बहुत अच्छा फॉरेस्ट है, वह सब कुछ अच्छा है. दूर है थोड़ा. अरे यार दिल की दुनिया आदमी जो है ना इतनी बड़ी चीज पे चर्चा करने. नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ दूरियों की वजह से वहाँ शांति रहती है. हाँ हाँ. अगर यहाँ पे रहे तो यहाँ आपको फालतू के बहुत वाले मिल जाएंगे. इसमें भवन में रहेंगे. नहीं अपन जो है ना वो हमें वहाँ बहुत स्मेल आती है. आई डोंट लाइक दैट प्लेस. मैं तो वहाँ से एक बार ट्रायल करने गया तो वहां से भाग आया. आई डिड नॉट. हाँ मतलब मैं वहां पे एक रात बड़ी मुश्किल से बिताया, भाग गया, दूसरे दिन में ही आ गया. तो आई वाज सो अनकंफर्टेबल इन एमपी भवन. तो आपको कल भी है ना. हाँ कल भी है. तो कल का प्रोसेस करता हूँ.
कल का आज असल में मैं कल अपन मॉर्निंग आवर्स का रखे हैं साढ़े बारह तक असल में थोड़ा सा नहीं या तो मैं आपको कहीं बुला लूंगा ना सेंटर नहीं नहीं हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि आई विल बी हियर ओनली तो यहाँ पे अपन एकदम सुकून से बात करेंगे ना। अच्छा ठीक है है ना ठीक है मैं अगर आया नहीं हूँ लेकिन मैं चलो एनईटी के पास मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मैं कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं मैं लोगों कभी कभी रुकवाता रहता हूँ क्योंकि वो ILBS के पास पड़ता है ना बसंत कुंज में जो लिवर इंस्टीट्यूट है तो लोगों को रुकवाया तो मैं पहुंच जाऊंगा वो कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए तो चलो कल का रखते हैं और... मैं अगर फ्री आज हो जाऊंगा तो आज भी अपन मिल सकते हैं आज बिजी हो गया आप फिल्म में नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन यू हैव टू रियली नहीं आपने ठीक बोला मॉर्निंग टाइम में फायदा क्या है कि बाकी दिन बच जाता है सर। हाँ 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 ठीक है ऐसा कर लो चलिए राइट अजय ओके इसको घर जमीन पे उतारना है 3 महीने के अंदर। नहीं नहीं जरूर जरूर आपने मुझे अच्छा लगा एक चीज कि अपन सीधे काम में लग जाएं कि बीज डालें और फिर तैयारी करें बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है राइट राइट कल मैं कोशिश करता हूँ तो अगर आज फ्री हो गया तो आज बताऊंगा मैं कब फ्री ठीक है अपन बात कर लेंगे ठीक है ओके थैंक यू नमस्कार।